हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूँ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। इस चैप्टर में हम जानेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में और हाउ टू गेट द कंसंट्रेशन द फॉर्मूलाज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले फिर से याद दिला दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पार्ट 2 में भी पढ़ा था कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये उसी को कंटिन्यू किया गया, उसके आगे की बात बताई गई है कि किसी चीज सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या चीज है। उसमें जितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिल, जितने अमाउंट सॉल्वेंट में मिलाया गया है उसी अमाउंट को यहाँ पर कंसंट्रेशन कहा गया है। ठीक है, तो ये एक तरह की रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव प्रॉपर्टी मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। हम किसी एक सॉल्यूशन को लेकर बात नहीं करेंगे यहाँ। अगर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे तभी हम कंसंट्रेशन की बात कर पाएंगे कि ये वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड मीन्स साधारण भाषा में बोले तो हम कंसंट्रेटेड का मतलब है गाढ़ा, डाइल्यूट का मतलब है बहुत ही पतला। ठीक है, तो हम लोग ये तो साधारण भाषा है, जब हम केमिस्ट्री की टर्म्स बात करते हैं तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ही बोलते हैं। तो जब हमारे पास दो सोल्यूशन है तभी हम कह पाएंगे एक ये वाला गाढ़ा है और ये वाला पतला है। अगर एक अकेला सोल्यूशन है तो हम नहीं बता सकते, इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं सॉल्यूशंस कितने प्रकार के हैं। सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स इन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला हो सकता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और तीसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये 3 तरह के सॉल्यूशन जो मैंने बोला ये रिलेटिव प्रॉपर्टी, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से जानेंगे कि अगर हमने शुगर वाटर सॉल्यूशन लिया, शुगर वाटर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर शुगर क्या है हमारा सॉल्यूट, वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट, और इससे हमें मिला है एक सॉल्यूशन। तो अब इस सॉल्यूशन में शुगर की क्वांटिटी कितनी है पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर में, ये चीज डिपेंड करती है कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा। अगर मान लीजिए शुगर हमारा, ये है हमारा शुगर, एक स्पून शुगर है और एक ग्लास हमने वाटर लिया, तो एक सोल्यूशन हमें मिलेगा। सिंपल सी बात है, इसको हम कहते हैं सोल्यूशन नंबर 1। अब हमने दोबारा लिया 3 स्पून ऑफ शुगर लिए और फिर से एक ग्लास वाटर में उसको डिजोल्व किया, तो फिर से हमें एक सोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल क्लियर आपको, इसको हम बोलेंगे ये सोल्यूशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पर पहले वाले में सोल्यूशन नंबर 1 में 1 चम्मच चीनी हमने एक ग्लास पानी में मिलाई और दूसरे सोल्यूशन में हमने 3 चम्मच चीनी एक ग्लास पानी में मिलाई। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन नंबर 2 गाढ़ा है कंपैरिजन टू सोल्यूशन नंबर 1 के। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन 2 ज्यादा गाढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें शुगर की अमाउंट ज्यादा रखी गई है, तो इसीलिए अब हम सॉल्यूशन नंबर 2 को कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन नंबर 1 को हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये तो बात हो गई क्लियर, कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट है कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड। अब बताते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर। अब अगर हम फिर से एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने कम से कम 10 स्पून ऑफ शुगर डाला प्लस पानी, वही एक गिलास था, एक ग्लास पानी में 10 चम्मच चीनी के डाले, तो हमें क्या मिलेगा, एक
सॉल्यूशन मिलेगा। कंपैरेटिवली क्या होगा इस वाले से कंपैरिजन में, एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, इसको हम 3 नंबर दे दें। अब ये सॉल्यूशन नंबर 3 सॉल्यूशन नंबर 2 के कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेटेड है और सॉल्यूशन नंबर 1 के कंपैरिजन में वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, सो हम कहेंगे वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये हमारा थर्ड नंबर सॉल्यूशन है। अब वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर हम एक समय अगर हम चीनी डालते जा रहे हैं एक समय ऐसा आएगा कि उसमें चीनी डालेंगे, वी विल ऐड शुगर एंड नो मोर शुगर इज डिजॉल्व। अब शुगर उस स्टेज पर जबकि शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी, शुगर विल नॉट डिजॉल्व, उस केस में जो हमारे पास सोल्यूशन है उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, क्या किया हमने, पहले हमने एक ग्लास पानी में एक चम्मच चीनी डाली, मिक्स हो गया, एक सोल्यूशन बना, फिर उसी में हमने 3 चम्मच चीनी और डाली, फिर से मिक्स हो गया, थोड़ा टाइम लगा मिक्स करने में लेकिन मिक्स हो गया, फिर से सोल्यूशन बन गया। अब ये पहले से थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, अब हम क्या करेंगे इसी में चीनी और डालते जा रहे हैं, हमने 10 चम्मच चीनी डाली, मिक्स करी, मिक्स हो गई, फिर हमने और चीनी डाली, डालते जा रहे हैं, थोड़ा टाइम बढ़ता जा रहा है मिक्सिंग का, लेकिन मिक्स किसी ना किसी तरीके से मिक्स होता गया। लेकिन ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा मिक्सिंग के बीच में कि अब चीनी डालने पर चीनी नहीं डिजोल्व होगी। ठीक है, उस एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर उस पॉइंट पर जो सॉल्यूशन हमारे पास है जिसमें अब और चीनी डिजोल्व नहीं हो रही, इसका मतलब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, पूरा भर गया चीनी से, अब उसमें एक भी पार्टिकल चीनी का वो नहीं ले सकता। तो उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन को, उस बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में, क्लियर हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज हमें पढ़नी है, सॉल्युबिलिटी। जब हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अब क्या होता है कि अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे, अगर हमारी चीनी हम घोल रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी में, एक समय आएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे चीनी घुलना बंद हो जाएगी, फिर क्या करें हम गैस पे चढ़ाते हैं उसको और फिर से उसको कुछ हीट दें, गर्म करें पानी को, तो क्या होगा फिर से चीनी घोलेंगे, देखेंगे चीनी घुलने लगी, लेकिन उसी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर से चीनी घोल रहे हैं, थोड़ी देर चीनी फिर से घुलेगी 2-4 चम्मच 6 चम्मच और फिर से क्या होगा चीनी घुलना बंद हो जाएगा। इट मीन्स टेम्परेचर रेज करने के बाद भी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे शुगर डिजोल्व नहीं हो रहे, इट मीन्स उस टेम्परेचर पे अब जो सोल्यूशन हमारे पास था वो सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, तो सैचुरेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑल्सो, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स किया गया है उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहेंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सी हियर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये हुआ हमारी सॉल्युबिलिटी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझिएगा तो समझ में आएगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जिस जो अमाउंट सॉल्यूट का है उस अमाउंट को ही उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमें ये कंसंट्रेशन परसेंटेज में ही आंसर मिलेगा इसका। दूसरा है मास ऑफ मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
मल्टीप्लाइड बाई 100। थर्ड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। सो ये तो रहे हाउ टू कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स, हमने अगर आप कोई सिरप की बॉटल उठाई है, घर में बहुत सारी बॉटल्स होती हैं सिरप की, किसी बॉटल उठा के उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखिए, तो आपको देखिएगा कोई भी इंग्रेडिएंट लिखा है उसके आगे कुछ ऐसा लिखा होगा एम बाई एम परसेंटेज और एम बाई वी परसेंटेज और ऐसा लिखा होगा वी ऑब्लिक वी परसेंटेज। ये क्या चीज होती है? ये यही चीज होती है मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज या फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका मतलब वहां पर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बता रहा है उस पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।